भारतीय संस्कृति अद्भुत है और अलौकिक भी। उसमें भी अगर राजस्थानी छटा का नाम लिया जाए तो वो चार चांद लगा देगी उस संस्कृति में, जहाँ पर राजस्थानी रंग हो। राजस्थानी रंग की छटा निराली होती हैं और किस तरह से राजस्थानी छटा विदेशों में भी धूम मचा रही हैं, कहाँ पर क्या आयोजन हो रहे हैं, हमारे साथ चलिए ओमान और ओमान में क्या हो रहा है हम दिखाते हैं आपको इस खास खबर में। भारत देश ही नहीं दुनिया में ठाकुर जी का डंका बज रहा है और इसके साथ सभी देवी देवताओं का डंका भी दुनिया में बज रहा है। हमारी संस्कृति राजस्थानी है और चाहे विदेशी हो यहाँ पर या यहाँ के लोग हो विदेशों में, हम चल रहे हैं ओमान और यहाँ पर राजस्थानी संस्कृति का डंका बजाने वाली नीलम विजय वर्गीय के साथ हम आपको यह खास खबर दिखा रहे हैं कि किस तरह से ओमान में भारतीय संस्कृति ही नहीं बल्कि राजस्थानी संस्कृति का जिस तरह से डंका बज रहा है वो तारीफ़ काबिल है। हमारी सनातन संस्कृति विश्वव्यापी है, वसुदेव कुटुंबकम की भावना रखने वाली है, इसीलिए वह सर्वव्यापी होती है और उसमें कोई न राग होता है न द्वेष, सभी से प्रेम मोहब्बत और स्नेह का संबंध होता है और इसी संबंधों के चलते हमारी संस्कृति सहज में ही सभी लोग मिल जाते हैं, रम जाते हैं और आनंद तो अलौकिक होता है। इस संस्कृति में लौकिक नहीं अलौकिक आनंद, ऐसा आनंद होता है कि जो जीवन भर भुलाया नहीं जा सकता। ओमान में हमारी संस्कृति का रंग आप देख रहे हैं, कोई ठाकुर जी के साथ में है, कोई सखियों के साथ में है, तो कोई परिवार के साथ में अपनी संस्कृति का रंग बिखेर रहे हैं। हमारी संस्कृति निराली है, यह अद्भुत है और जो भी इस संस्कृति को एक बार देखता है तो उसमें रम जाता है, चाहे ठाकुर जी की लीलाएं हो या अन्य कोई साहित्य और शास्त्रों का पाठ पूजा और अर्चन हो या राजस्थानी संस्कृति के कोई गीत संगीत नृत्य हो, सभी में यहाँ रंग दिखता है राजस्थानी। और एक बार जो इस रंग में रंग गया रम गया वो कभी भूलता नहीं है, चाहे वह देश ही नहीं पूरी दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए। यह सभी परिवार ओमान में हैं और हमारी संस्कृति का डंका बजा रहे हैं, वो किसी भी रूप में यहाँ हो लेकिन हमारी संस्कृति को हमारे धर्मों को हमारे शास्त्रों को भूले नहीं हैं और इसी में वो अपना उनके परिवार ही नहीं समाज ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को जोड़ना चाहते हैं हमारी संस्कृति से और सभी परिवार इसी संकल्प में लगे हुए हैं कि पूरा विश्व हमारी संस्कृतिमय हो। क्योंकि कोरोना के चलते जिस तरह से हमारी संस्कृति ने हमारे शास्त्रों ने हमारे चिकित्सा शास्त्रों ने जो डंका बजाया है वो लौकिक ही नहीं अलौकिक है। आइए देखो आगे। इस रूप में इन महिलाओं ने तैयारी की है
अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प लिया है, अपनी संस्कृति को, अपने धर्म को, अपने विश्व रूप ठाकुर जी की लीलाओं को आगे बढ़ाने का जिस तरह से संकल्प किया है वो अपने आप में अद्भुत हैं, अलौकिक हैं, और सभी इसी संस्कृति में, इसी रंग में झूम रही हैं। ये महिलाएं नाच रही हैं, गा रही हैं और विविध रूपों में इसका अलौकिक आनंद ले रही हैं। आप भी देखें। भारतीय संस्कृति के, राजस्थानी संस्कृति के और हमारी धार्मिक ठाकुर जी की संस्कृति में कभी ये गाती हैं, कभी नृत्य करती हैं, कभी फूलों की बारिश करती हैं, कई रंगों की गुलाल लगाती हैं और बड़े आनंद ठाट से ये अपने आयोजन कर रही हैं और सभी को जोड़ रही हैं। सभी के मन में जो भी तनिक भी वैर भाव या द्वेष भाव हो वो भी इस ठाकुर जी के नृत्य गीतों और भजनों के सुनने से मिट जाते हैं। तनिक मात्र भी क्लेश नहीं रहता और अलौकिक आनंद ही आनंद आता है। इस संस्कृति में, इस आयोजन में सभी प्रेम भाव से झूम रहे हैं, गा रहे हैं, नाच रहे हैं और पूरे ठाट बाट के साथ में ठाकुर जी को खूब रिझा रहे हैं। हमारी संस्कृति ही ऐसी संस्कृति है कि वह अलौकिक हैं, आनंदित हैं और सभी इसी संस्कृति के रंग में रंग रहे हैं, रम रहे हैं। आगे क्या हो रहा है आप भी देखें। सवाल है, मैं आपके सबके सामने एक भजन प्रस्तुत करना चाहती हूँ, गणेश वंदना। तो सब आप एंजॉय करिए। घर में पधारो संस्कृति का आनंदी कुछ और हैं।
इसके रंगों का आनंद ही कुछ और है, और पहनावा हम भले ही कुछ और पहने, खाना हम भले ही कुछ और खाएं, लेकिन हमारे जो खून में हमारी संस्कृति है, हमारे अविरल धारा में जो संस्कृति है, हमारी विरासत में जो हमारी संस्कृति बसी हुई है, वही हमारी ईश्वरीय अलौकिक देन है। और विश्व रूप में यह वसुदेव कुटुंबकम का संकल्प लेकर चल रही हैं, इसी वजह से हमारे से पूरा विश्व जुड़ रहा है, देश के राज्य नहीं, देश के लोग नहीं, बल्कि पूरे विश्व में हमारी संस्कृति का डंका बज रहा है। क्या कह रही हैं नीलम विजयवर्गीय, और क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग जो हमारी संस्कृति का डंका बजा रहे हैं, देखिए आप भी। मैं नीलम विजयवर्गीय, मैं आपके सामने आज उमान में होने वाले राजस्थानी मिलन समारोह के बारे में बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे कोविड के बाद आज पहली बार, काफी टाइम बाद, 4 साल बाद पहली बार आज प्रोग्राम हुआ है, और इसकी शुरुआत 4-5 फैमिली से करी थी। आज हम 40-50 फैमिली हैं, और यहाँ पे मिलने के बाद बहुत अच्छा लगता है। सभी अपनी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसों में, कोई राजपूती ड्रेस, कोई लहंगे में, कोई साड़ी में, कोई बंदेज की चुंदड़ में, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ऐसा लगा हमें आज मिलके, सब राजस्थानी गाने चल रहे हैं, राजस्थानी सॉन्ग चल रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई कविताएं बोल रहे हैं, सब अपनी अपनी भाषा में बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था हम अपने बचपन में या अपने माहौल में, भारत में ही पहुंच गए हों, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ सबको बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद आज ये हुआ था, तो सबने बहुत इंजॉय किया। तो मैं नीलम विजयवर्गीय, आज यहाँ ओमान में राजस्थानी मिलन समारोह हुआ है, उनमें से कुछ लोगों का मैं अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बताइए, आपको यहाँ आके कैसा लगा, और ओमान में आप कितने सालों से हैं? ओमान में 4 साल से हैं, और ये प्रोग्राम पहले कोविड के कारण थोड़ा बंद हो गया था, लेकिन अभी दोबारा स्टार्ट हुआ है, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है सब। आपको कैसा लग रहा है? मेरा नाम रचना शर्मा, और मैं कोटा राजस्थान से हूँ, और मुझे सोहार में 10 साल हो गए हैं, और यहाँ पर राजस्थानी गैदरिंग में आके सब अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस में हमारे राजस्थानी लेडीज आए हैं, बच्चों ने राजस्थानी डांस में प्रस्तुति करी है, लेडीज़ ने बहुत ट्रेडिशनल डांस किए हैं, तो सब देखकर बहुत अच्छा लगा। मैं भी कोटा राजस्थान से हूँ, मुझे यहाँ आए हुए 2 साल हुए, बट लेकिन बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम ये प्रोग्राम अटेंड किया, लेकिन मज़ा आ गया, इतना एंजॉय किया, सब अपने ट्रेडिशनल गाने भी वही राजस्थानी बज रहे हैं, डांस भी सब राजस्थानी उसमें, ड्रेसअप में भी सब अपने ट्रेडिशनल उसमें है, तो रंगारंग मस्त मज़ा आ गया, खूब एंजॉय किया, गुड। मैं चंदू तिवाड़ी, और मैं भीलवाड़ा से हूँ, हमको इधर ओमान में आए हुए 22 साल हो गए, लेकिन हम हर साल बहुत अच्छे से अच्छे गैदरिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं, बहुत सारी पार्टीज होती है, हर फेस्टिवल बहुत आलिशान बनाते हैं, बहुत अच्छे से बनाते हैं। थैंक यू। आपको यहाँ आके कैसा लगा, आप बताइए, अपने अनुभव बताइए। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा, मैं कोरोना के बाद में 2-3 साल के गैप की वजह से थोड़ा लोगों का उत्साह कम हो गया था, तो इस बार थोड़ा सा उत्साह आया है, अगली बार और ज्यादा आएगा, और सब लोगों से मिलके ऐसा लगता है जैसे हम लोग इंडिया में अच्छे सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं, तो थोड़े वहाँ से दूर होने का जो है ना थोड़ा दूसरा कम हो जाता है, और एक एनर्जी के साथ फिर से घर पे जाते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, इस खुशी से मतलब मन में उत्साह रहता है। मैं नीलम विजयवर्गीय, मैं आपके सामने आज ओमान में होने वाले राजस्थानी मिलन समारोह के बारे में बोलना चाहती हूँ। यहाँ पे कोविड के बाद आज पहली बार, काफ़ी टाइम बाद, 4 साल बाद पहली बार आज प्रोग्राम हुआ है, और इसकी शुरुआत 4-5 फैमिली से करी थी, आज हम 40-50 फैमिली हैं, और यहाँ पे मिलने के बाद बहुत अच्छा लगता है। सभी अपनी अपनी ट्रेडिशनल ड्रेसों में, कोई राजपूती ड्रेस, कोई लहंगे में, कोई साड़ी में, कोई बंदेज की चुंदड़ में, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ ऐसा लगा हमें आज मिलके, सब राजस्थानी गाने चल रहे हैं, राजस्थानी सॉन्ग चल रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई कविताएं बोल रहे हैं, सब अपनी अपनी भाषा में बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा था हम अपने बचपन में या अपने माहौल में, भारत में ही पहुंच गए हों, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और यहाँ सबको बहुत अच्छा लगा, काफ़ी टाइम बाद आज ये हुआ था, तो सबने बहुत इंजॉय किया, तो हाय जय श्री कृष्णा सबका बहुत बहुत। ये आपको यहाँ आके आज कैसा लगा, सभी अपने अपने अनुभव शेयर कीजिए कि राजस्थान से दूर यहाँ ओमान में कैसा लग रहा है आपको। राजस्थान से दूर हो
करके भी आज हम राजस्थान के इतना करीब आए हैं, तो आज हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है और हम लोगों ने बहुत ही इंजॉय किया और एकदम से ऐसा लगा कि हम अपने राजस्थान में पहुँच गए हैं। राजस्थान में अलग अलग कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज में, भाषा में बोलने वाले लोग भी आज सब इकट्ठे हो गए, अपनी अपनी भाषा का आनंद ले रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। धन्यवाद उन सभी का जिन्होंने इतना शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, बहुत मजा आ गया, बहुत एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। लग ही नहीं रहा कि हम इंडिया से इतना दूर हैं, सभी मिले ऐसा लगा सब अपना ही परिवार है, अपनी फैमिली है, कौन बड़ा है कौन छोटा ये भी नहीं पता लगा, मस्ती करने में लगे हैं, सब सब बहुत मजा आया। राजस्थानी गाने, राजस्थानी नृत्य सब देख कर मैं बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी। हुर्रे! और ये हमारे सबसे छोटे मेहमान हैं इस प्रोग्राम के, इसका फर्स्ट प्रोग्राम था होली का उमंग में, बहुत अच्छा लगा इसके साथ में एंजॉय किया हमने नाना नानी ने, और बहुत अच्छा लगा, सबको धन्यवाद। ऐसा लगा, आप अपने अपने अनुभव बताइए। हाँ जी, राजस्थानी परिवार में आके आज हमको इतना अच्छा लगा कि दूसरे देश में हम लोग राजस्थान के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, कोई कोटा से है, कोई जोधपुर से है, कोई सवाई माधोपुर से है, और रियली जो हम लोग को इतना अच्छा लगा। संजय जी बताएंगे कि ओमान में भी राजस्थान का स्वाद आ रहा है, बेसिकली खाने का भी वही है, और यहाँ प्रोग्राम भी बहुत अच्छे अच्छे हुए हैं, राजस्थानी डांस हुआ है, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, और हमें बहुत आनंद आता है, प्रदेश में रह करके देश का भी आनंद लेना होता है, ये राजस्थानी परिवार की बदौलत है, और ये राजस्थानी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ के परिवार को बहुत एक्टिव है और हमें मिस नहीं होने देता इंडिया को। हमारे जो खाने में जो खाना रखा है, गट्टे गट्टे की सब्जी है, कढ़ी पकौड़ा है, सारा राजस्थानी टेस्ट रखा है, और डेली ये खाना खा के और देख के फील होता है कि हम लोग घर से बाहर नहीं है, विदेश में रहेगी वैसे वेलकम घर में। विदेश में भी देश की परंपरा जो है कि राजस्थान को बोलते हैं पधारो हमारे देश, विदेश आके बोल रहे पधारो हमारे पास, हमारे सबसे छोटे मेहमान, ये हमारे छोटे मेहमान के नाना जी हैं। आप अपने अनुभव बताइए आज के प्रोग्राम। आज का प्रोग्राम बहुत शानदार रहा, और स्पेशल थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर, जैसे कि विष्णु साहब हैं, अपने बीजू भाई हैं, पाटोदिया साहब हैं, और मेन सीए साहब हैं, तो आप सबका बहुत धन्यवाद, और हम चाहते हैं कि ये बार बार ऐसा प्रोग्राम हो, नेक्स्ट दीपावली के लिए आप अभी से तैयारी करिए, अभी से तैयारी करिए, दैट इज अवर व्यू। आज राजस्थान मिलन समारोह का सोहार में प्रोग्राम था, चार साल बाद हमने आज ये प्रोग्राम किया है, हमें बहुत अच्छा लगा कि इतने शॉर्ट नोटिस में, लगभग शायद तीन चार दिन में ही सबने सब कुछ कर लिया, और इतने शॉर्ट नोटिस में इतनी अच्छी गैदरिंग हुई है, और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला सभी का, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और बहुत अच्छा लगा कि सारे जो कोई भीलवाड़ा से, कोई कोटा से, कोई कहाँ से, लेकिन सब अपनी अपनी लैंग्वेज में या भाषा में जब बातें कर रहे हैं तो अपनापन जो होता है वो आज बहुत अच्छा लगा हमें सबसे मिलकर, धन्यवाद। जय हिंदुस्तान, जय राजस्थान, जय भारत। अब नेक्स्ट कब मिलना है? दिवाली। ये प्रोग्राम के बाद ये लास्ट नहीं है, इसके बारे में ध्यान रखना, कोशिश करेंगे कि अपना ग्रुप फोटो आए, अपना आने का वो ज़्यादा मन करे, तो ये कोशिश रहेगी हमारी। उसके अलावा बाकी सब लोगों से प्रार्थना है कि जो भी जो समाज को जानते हो, जो भी अपने परिवार को जानते हो, सबको ग्रुप में जुड़वा है। शुरुआत करवाई उससे सबसे पहले
प्रोग्राम ये है कि हुआ है और सभी लोगों से है कि जो जो इच्छुक हैं आगे आए प्रोग्राम को आगे बढ़ाना है और क्या नया कर सकते हैं जिससे कि इसको थोड़ा सा लाइव भी रहे चार महीने लोगों में आगे ज्यादा लोग पहली बार अटेंडेंस काफी मतलब फुल रहा काफी जम रहे यहाँ पे चार ये तो 19 के बाद पहली बार हुआ है 2020 जुलाई में हुआ था तो अब ऐसा ही इसको आगे कंटिन्यू करना है अपना सबका सपोर्ट चाहिए मैं चाहूँगा कुछ मिस्टर्स भी दिख रहे हैं वो आए और मुझे इसको और इसको आगे नहीं बढ़ जाएगा मैं सब पहली बार जय श्री कृष्णा मैं शालिनी नीलम भाभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने अपने घर आंगन में भजन संध्या का आयोजन किया और हम सभी तो आमंत्रित थी हम सभी लोग भजन संध्या में गए हमने पूजा अर्चना की सारी देवी देवताओं के भजन गाए भजन में हम लोग झूमे नाचे नाचे प्रसाद में भाभी ने पंचामृत भी बनाया था जो बहुत ही स्वादिष्ट बना था इसके साथ ही भाभी ने रुचिया भी अपने हाथों से बनाया था जो बहुत ही स्वादिष्ट बना था भाभी ने ढेरों पकवान का भी प्रबंध हम सभी के लिए किया था हम लोग एक दूसरे को रुला लगाए उसके बाद फूलों की होली खेली वह माहौल देखने लायक था ऐसा लग रहा था जैसे ओमान में छोटा वृंदावन बस गया हूँ मैं नीलम भाभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि ओमान में रहते हुए हमें वृंदावन की अनुभूति कराई साथ ही मैं उन सभी भाभियों को धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस भजन संध्या तो अच्छे से संपन्न करने में हमारी सहायता थी धन्यवाद नीलम भाभी राधे राधे जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा राधे राधे मैं ओमान से तालिका बात कर रही हूँ दो दिन पहले मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने भजन कीर्तन का कार्यक्रम आयोजित किया था अपने घर पर और मुझे आमंत्रित किया था और मेरे काफ़ी सारे दोस्तों को भी आमंत्रित किया गया था तो वहाँ पर हम लोगों ने नवरात्रि के भजन कीर्तन ठाकुर जी के भजन कीर्तन और फागुन सब खेला तो मतलब हम लोग को इतना आनंद आया वहाँ पर कि हमें पता ही नहीं चला दो से तीन घंटे कैसे बीतते हैं तो जो उन्होंने ये कार्यक्रम रखा था दो घंटे का रखा था और हम भक्ति में ऐसे दिनों में दो से तीन घंटे कैसे बीत गए हमें महसूस ही नहीं हुआ और हमें महसूस नहीं हुआ कि हम इंडिया में हैं या ओमान में हैं तो आखिर में ठाकुर जी को प्रसाद चढ़ाया और उसके बाद सब ने मिलजुल के उस प्रसाद को भी खाया और सब ने आशीर्वाद लिया ठाकुर जी का तो मैं मेरे दोस्त को धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे कार्यक्रम आगे भी होते रहेंगे तो मतलब हम लोग अपनी संस्कृति को समझेंगे और उसकी अहमियत को समझेंगे क्योंकि हमें अपनी संस्कृति को जानना और पहचानना बहुत ज़रूरी है ताकि वो चीज़ हम अपने अपने आगे वाले आने वाली पीढ़ी को और बच्चों को भी दे सकें तो ये संध्या मेरे लिए बहुत अच्छी और यादगार गई इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ धन्यवाद राधे राधे जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा मेरी प्यारी सखी सहेलियों अभी दो दिन पहले हमारी एक फ्रेंड के यहाँ पे भजन का कार्यक्रम रखा गया उसमें हम सभी सखियों को इन्वाइट किया गया हमने वहाँ पे बहुत 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 मज़े किए भजन संध्या हुई अच्छे से सब ने अच्छे से भजन गाए राधा कृष्ण के भजन गाए माता रानी के भजन गाए हनुमान जी के भजन गाए सभी ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सभी बहुत अच्छी तरह से तैयार होके भी आई लेकिन माहौल इतना अच्छा हो गया था कि बंद करने का भी इच्छा नहीं भजन को लेकिन क्या करें सब करना पड़ता है थैंक यू नीलम जी आपने हम सबको इन्वाइट किया बहुत अच्छा लगा जय श्री कृष्णा सबको आज नीलम ने हमें भजन संध्या में आमंत्रित किया था जो कि सोहार ओमान में है और बहुत अच्छे से भजन कीर्तन हुआ बहुत आनंद आया सब ने खूब एंजॉय किया ओमान में रह के भी इतना अच्छा लगता है इंडिया से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ और सब बच्चियाँ बहुत अच्छे से भजन वगैरह करती हैं यहाँ बहुत आनंद आया नीलम का बहुत बहुत आभार थैंक यू